हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं बहुजन संदेश यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है, अभी 9 अगस्त को दिल्ली के संसद मार्ग पर कुछ मनुवादियों के द्वारा भारतीय संविधान की प्रतियां जलाई गई हैं। वह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ नारे लगाए गए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के को मुर्दाबाद कहा गया है। देश की तमाम अनुसूचित जनजाति जनजाति के खिलाफ अपशब्द कहे गए हैं। उसी मुद्दे पर दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट जो पुलिस स्टेशन है, उस पर वकीलों के एक बहुजन समाज के वकीलों के बड़े एक ग्रुप ने FIR दर्ज कराई है, जिसमें उनका एक ग्रुप बड़ा शामिल हो चुका है। और उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक इन देश के गद्दारों को, इन मनुवादियों को हम संविधान, भारतीय संविधान व दलित समाज अपनी ताकत नहीं दिखा देता है, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। हमें चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे हमें विश्व स्तर पर कहीं भी आंदोलन करना पड़े, हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए आपको वो वीडियो हम दिखाते हैं। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जैसा आप सभी लोग अवगत हैं कि परसों कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपशब्द कहे और भारत का संविधान जलाया। ये वो संविधान है जो कि सिर्फ शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब OBC का नहीं है, ये संपूर्ण भारत का है। इस मामले में जब वो बाबा साहब को गाली देते हैं और संविधान को फाड़ते हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ नेशनल इंसल्ट एक्ट 1971 के अंदर में ऑफेंस है, SC/ST एक्ट के अंदर में ऑफेंस है। हमने कई शिकायतें दी, हम पुलिस स्टेशन इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट के सामने खड़े हैं कि FIR दर्ज होकर दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और आपके सामने ये पूरी एडवोकेट्स की टीम जो समाज के लिए यहाँ खड़ी हुई है, इन लोगों में रोष है। ये पूरी टीम चाहती है कि हम इस लड़ाई को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ें। और मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जो ये देश के गद्दार हैं, अगर इनमें दम है तो ये संविधान को या बाबा साहब को इस टीम के सामने गाली देके देखे, तो हम बताएंगे कि संविधान कैसे काम करता है और कानून कैसे काम करता है। इन्हीं के साथ मैं सुनील जी से, एडवोकेट सुनील जी से कहना चाहूंगा। सुनील जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सबसे पहले तो सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में हम आए अपनी कंप्लेन दर्ज कराने के लिए। हमने यहाँ पे कंप्लेन दे दी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम तुम्हारी FIR शाम तक दर्ज कर देंगे। लेकिन इसके बाद जो कंडक्ट 9 तारीख को यहाँ पे कुछ लोगों ने किया है, वो जैसे सत्यप्रकाश गौतम जी ने बताया कि वो सिर्फ SC/ST OBC के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो पूरे भारत का है। पूरे भारत के लोग, पूरे भारत का ब्यूरोक्रेट, पूरा प्रशासन उसी कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। और कुछ तुच्छ मानसिकता वाले लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति पुलिस के सामने जला देती है, जिसमें पुलिस भी पूरी भागीदार है। जितना ऑफेंस उन लोगों ने किया उतना ही पुलिस का ऑफेंस भी बनता है। मेरा ये कहना है कि उन लोगों के खिलाफ राजद्रोह के मुकदमा दर्ज करके सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और एक मैसेज मैं पूरी टीम से, पूरे देश के युवाओं को की तरफ से उन लोगों को देना चाहता हूं कि अगर इस तरीका का कोई भी कृत्य वो करना चाहते हैं तो एक टाइम, एक जगह, एक इन्फॉर्मेशन हमें दे दें, ठीक है ना। और फिर हम बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जलाया जाता है, बाबा साहब को गाली कैसे दी जाती है, ठीक है ना। ये जो लोग हैं ये गद्दार टाइप के लोग हैं, ये भारत के लोग नहीं है, विदेशी लोग हैं। और मैं इसका ना बहुत बहुत इसकी निंदा करता हूँ। अशोक जी, ये कितनी शर्मनाक पूर्वक बात है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। और ये हम थाने पे खड़े हैं, थाने के लिए, हमारे पार्लियामेंट के लिए, हमारी सरकार के लिए, कि जो संविधान हमको राइट देता है, अधिकार देता है, जो आपने 9 तारीख में देखा, जो उन्होंने एक्ट किया, उस संविधान के तहत भी एक्ट करें, उन संविधान को चला रहे हैं। तो कितनी शर्मनाक बात है कि इतना इंसिडेंट होने के बाद भी पुलिस ने अब तक किसी को अरेस्ट नहीं किया है और कोई भी एक्शन नहीं है। जैसे कि सबने बताया कि आज हम एप्लीकेशन देने हैं, शिकायत देने हैं, हमारी शिकायत रिफ्यूजल कर दी गई और ब्लंटली कहा गया कि हम आपकी शिकायत पे बहुत ही विचार करेंगे, गौर करेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे। तो कितना शर्मनाक पूर्वक है हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए। अभी हम पुलिस पे दबाव बना रहे हैं कि वो FIR दर्ज करके जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तारित करें ताकि हमारे समाज को और हमें न्याय मिल सके। एडवोकेट, मेरा कहना यह है कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, और जो हमारी जुरिसप्रूडेंस कहती है, जुरिसप्रूडेंस ये कहती है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ग्रैंड नॉर्म। सारी पावर्स जो किसी भी लॉ, जो सोर्स है लॉ का, वो होगा हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से ही आपको पावर्स आई है पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट लॉ बनाए। यहाँ पर इंडिया की राजधानी दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के 200 मीटर के दायरे में कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स, जिन्हें कहेंगे हम यहाँ तक कह सकते हैं कि वो देशद्रोही जो है हमारे देश के, वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को भंग करते हैं। 154 जो
सीआरपीसी का प्रोविजन है वो कहता है कि अगर कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है कमिट कहीं भी होता है तो उसमें इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेंट की जरूरत नहीं है, पुलिस सुमोटो लेके पुलिस बाइंड है उसके लिए कि वो एफआईआर दर्ज करे, बट हमने यहाँ पर कंप्लेंट दी है और इन्होंने एफआईआर लॉन्च करने से मना कर दिया है। ये सीधा सीधा वायलेशन ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ की जो बात करते हैं ये हमारे देश के संविधान का अपमान उन लोगों ने नहीं किया है, इन पुलिस वालों ने भी किया है जो कि ड्यूटी बाउंड है एफआईआर करने के लिए। मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि हमें इसके बाद फर्दर कोर्ट प्रोसीड करना चाहिए। जैसा अमन ने सुनील ने और सभी अधिवक्ताओं ने ये बात बोली, अशोक ने भी, मैं आप सभी लोगों को दिल्ली के अधिवक्ताओं से जो टीम है जो हमारी यंग टीम एडवोकेट्स की है वो आश्वासन दिलाती है कि इस मामले को अभी हम पुलिस पे दबाव बना के एफआईआर दर्ज कराएंगे, अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो जो भी लीगल रिसोर्सेज है चाहे डिस्ट्रिक्ट को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हम वहां जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा क्रांतिकारी जय वीर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा एक नया वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे चैनल दिखाए गए वीडियो पसंद आते हैं और आप भी चाहते हैं कि बहुजन समाज के जो मीडिया है वो यूँ इसी प्रकार से कार्य करता रहे तो हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें व घंटी के बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद साथियों, दबाइए सब्सक्राइब बटन को और साथ में ही दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारे चैनल की नई नई वीडियो मिलती रहें व लेटेस्ट अपडेट भी आपको प्राप्त होती रहें।